हेलो हेलो हेलो, सो वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज फाइनली द कैंपस टूर वीडियो व्हिच यू पीपल हैव बीन रिक्वेस्टिंग फॉर सो लॉन्ग, बट फाइनली मुझे टाइम मिल गया इसे एडिट करने का एंड हियर इट इज. सो आई वांट यू गाइस टू सिट बैक एंड जस्ट एडमायर द ब्यूटी ऑफ दिस ब्यूटीफुल कैंपस. Okay, so now let us start. So this is the gate number 1 of our college, जहाँ पर mainly residential area है. And इसी के थोड़ा सा आगे we have gate number 2, जहाँ से हम लोगों का mainly आना जाना रहता है. And gate number 2 से enter करते ही on the right side you will see the college building, the hospital building and the OPD block. सब कुछ यहीं पर है. And throughout the video I want you guys to sit back and relax and enjoy the beauty of this campus. लेफ्ट साइड पर वी हैव द ऑडिटोरियम. सो दिस इज़ अर ऑडिटोरियम जहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोई ना कोई इवेंट, कोई ना कोई प्रोग्राम चलता ही रहता है. उसके आगे वी हैव अ लिटिल पार्किंग एरिया एंड देन वी हैव दिस नर्सिंग कॉलेज का बिल्डिंग ऑडिटोरियम से थोड़ा सा ही आगे. Okay, so now comes my favorite part, which is definitely this view. Guys, you have to thank me later, क्योंकि हमने ये वीडियो बहुत ही स्पेशल वेदर सर्कमस्टांसेस में शूट किया है. जब भी मौसम बहुत अच्छा होता है तो यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है. And just now you saw the animal house and the laundry हमारे कैंपस के अंदर. Now we are on the road, जो कि गेट नंबर 2 और गेट नंबर 3 को कनेक्ट करती है. गेट नंबर 3 इज़ मोर टूवर्ड्स द हॉस्पिटल side and just now you saw the mortuary which has been renamed as advanced autopsy center. तो अभी हम लोग आ गए हैं थोड़ा hospital वाले side पर. So this building that you are seeing is the trauma center, जिसके आसपास अभी parking area है. And now this is the ramp. Okay, so yeah, this was what I was talking about. This is the trauma center of AIIMS Rishikesh and the building that you now are seeing is the emergency of AIIMS Rishikesh. अब इसे देख कर किसे, आई मीन किससे गूज बम्प्स नहीं आएंगे, स्पेशली इफ़ यू आर अ नीट एस्पिरेंट और AIIMS Rishikesh आपका ड्रीम कॉलेज है. दिस हैज़ टू बी द व्यू फॉर यू. आई मीन दिस व्यू इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट. एंड नाउ इस इमरजेंसी के पास में वी हैव अ लॉट ऑफ शॉप्स. वी हैव नेस्कैफे, अ फ्रूट जूस शॉप एंड वी हैव अ फार्मेसी हियर. एंड दिस नेस्कैफे इज़ आर गो टू प्लेस, लाइक जब भी हम लाइब्रेरी में देर रात तक पढ़ाई करते हैं सो वी गो हियर फॉर स्नैक्स. बट ऑनेस्टली आई डोंट लाइक द फूड हियर वेरी मच. नाउ वी आर गोइंग टू टेक यू टू अ थिंग विच इज़ पिक्यूलियर और स्पेशल टू AIIMS Rishikesh एंड इट इज़ आर हेलीपैड. क्योंकि उत्तराखंड इज़ अ डिज़ास्टर प्रोन एरिया, सो वी हैव एन एयर एम्बुलेंस जो कि यहीं पर आके लैंड करती है. सो दिस इज़ हाउ द college looks from outside. And let me share an experience with you. जब मैं first time Rishikesh आई थी for my admission, तो हम लोग जब railway station से अपने hotel की तरफ जा रहे थे तो college बीच में पड़ता था. And when for the first time I saw this, it was just like that, बाहर से देखा था. And I was so happy कि this is going to be the place where I am going to live for the next 5.5 years. So again we are at gate number 2 and I have shown you already the things. Now this is Ayush of AIIMS Rishikesh. And now this part I think most of you might have seen in my other videos also. We are at the Now the area that you see is probably the most happening area, क्योंकि इसका नाम है ओवल एंड सारे प्रोग्राम्स हम लोग यहीं पर सेलिब्रेट करते हैं. दिस 80 नंबर बिल्डिंग दैट यू आर सीइंग हियर इज़ आर मेस एंड नाउ दीज आर आर हॉस्टल्स. ये जो
green or yellow hostels दिख रहे हैं. दीज आर गर्ल्स हॉस्टल्स एंड ऑन द राइट साइड वन इज़ अ जे आर हॉस्टल एंड अनदर वन इज़ अ बॉयज़ हॉस्टल. सो दिस इज़ माई हॉस्टल. अंदर से हॉस्टल कुछ ऐसा दिखता है. वी हैव एन इंट्रेंसिक बैडमिंटन कोर्ट ओवर हियर और हॉस्टल के कॉरिडोर्स कुछ ऐसे दिखते हैं जहाँ पर राइट साइड पर जाकर मेरा कमरा है. सो यप, दिस एरिया को हम लोग इंटरसेक्शन कहते हैं क्योंकि यहाँ पर अपेरेंटली यू नो डिफरेंट पाथ्स इंटरसेक्ट. एंड दिस इज़ द बॉटनिकल गार्डन और वी कैन से हर्बल गार्डन स्पेसिफिकली, जहाँ हमें कभी अंदर तो नहीं ले जाया गया है, बट अपेरेंटली यहाँ पर बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह ग्रो किए जाते हैं. एंड नाउ दिस रोड इज़ गोइंग टू आर जिम. सो दिस 43 नंबर बिल्डिंग इज़ आर जिम. एंड जिम भी शायद बहुत सारे वीडियोज़ में आप लोगों को दिख ही गया होगा एंड आई प्रे कि ये आपको आगे दिखता रहे एंड आई जस्ट यू नो कंसिस्टेंटली कीप गोइंग टू द जिम. नाउ द अदर थिंग विच इज़ रेलिवेंट यू गाइज इज़ द लाइब्रेरी विच इज़ इन द कॉलेज बिल्डिंग. सो आई शॉट दिस वीडियो ऑन सम अदर डे, इसीलिए मौसम इज़ सनी एंड नॉट क्लाउडी. सो लाइब्रेरी हैज़ अगेन अ लॉट ऑफ पार्ट्स. दिस इज़ वन पार्ट दैट आई एम शोइंग टू यू गाइज एंड दिस इज़ another thing. So यहाँ पर आपको आयुष सेंटर दिख रहा है एंड नाउ आई वॉन्ट यू गाइज टू जस्ट रिलैक्स एंड सिट बैक अगेन एंड जस्ट इन्जॉय द ब्यूटी ऑफ दिस ब्यूटिफुल एथेरियल कैंपस. एंड आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट एम्स ऋषिकेश इज द फैक्ट दैट इट इज़ इन ऋषिकेश, बिकॉज यू आर सो क्लोज टू द नेचर, सो क्लोज टू स्पिरिचुअलिटी. आई मीन अ लॉट ऑफ पीपल जो पहली बार ऋषिकेश आते हैं, दे से दैट दे फील समथिंग, दे से दैट दे फील and energy and aura when they first come here. And me and my family felt too a different energy, a different positivity. But with time, जब आप अपनी पढ़ाई में अपने काम में इतना ज़्यादा indulge हो जाते हो, you know you feel less and less of it. But the thing is that you need to be connected to your grounds, to the nature, and this is the perfect abode for that. So yep, that's it. और यहीं से बाहर निकल के we have the गंगा बैराज, जहाँ आपको गंगा जी के इतने पास से दर्शन होते हैं. एंड यू नो वी लाइक यूजुअली गो देयर. यू हैव अ कपल ऑफ टेम्पल्स ऑल्सो हियर विच गिव यू द यू नो everything that you need. So yep, that is it about this video. I hope you liked it. I know I am a bit late, but that's okay. Chalo, bye.